Welcome, our valuable watcher. You are in the right place. Every type of technology is here. Do not forget to subscribe to Tech with Aaryan YouTube channel. Happy watching. Subscribe our channel by clicking the subscribe button. If you are Android user, click the bell icon for know more about our latest updates. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक वर्ल्ड नाम की एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है डिज़ाइन की गई है स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। और सेकंड टॉपिक हमारा है वो यह है कि msafe एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों ही बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, और अगर मैं बात करूँ टेक वर्ल्ड की तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तैयार किया गया है। तो आज आप ये वीडियो आगे देखते रहिए, उसमें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और HTML और C प्रोग्रामिंग लर्नर के लिए जो मेरे चैनल पे उसके ट्यूटोरियल का इंतज़ार करते हैं, उन सब के लिए एक गुड न्यूज़ है कि मैंने अपने क्लासेस स्टार्ट कर लिए हैं ऑनलाइन। तो उसकी फ़ीस रखी है मैंने, HTML का कोर्सेस होगा उसकी फ़ीस होगी 4000 रुपीज़, एंड सी लैंग्वेज के जो प्रोग्रामिंग है उसके कोर्स की फ़ीस होगी 5000 रुपीज़। और मैं कुछ ही दिनों में C++ भी स्टार्ट करने वाला हूँ लर्निंग के लिए वहाँ पर भी। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हैं techwithaaryan@gmail.com पे, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। ठीक है गाइज, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर से कर सकते हैं। तो इसी बात पर इस चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस करना तो बनता ही है। सो हेलो व्यूअर्स, आर्यन हियर एंड यू वॉचिंग इंटरेस्टिंग चैनल कॉल्ड टेक विथ आर्यन। Tutorial start now. दोस्तों, अगर मैं बात करूं टेक वर्ल्ड की तो ये एप्लीकेशन मिस्टर लवप्रीत सिंह ने डिजाइन की है, जो कि टेक ट्यूटोरियल्स नाम की एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो उनकी ये एप्लीकेशन है, उन्होंने डिज़ाइन की है। और एक और बात दोस्तों, उन्होंने अपनी ओर से पूरा इसका जो फाइनेंशियल जितना भी प्राइस लगना था, रेट जो भी था, उन्होंने अपनी ओर से पे किया है और इसको प्ले स्टोर पर लॉन्च किया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग दें और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ करें इसके बारे में, और जो है हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। तो इसकी डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि आपको डायरेक्टली ले जाएगी प्ले स्टोर पर। तो गाइस, एक और एप्लीकेशन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं, वो ये है msafe। बिकॉज गाइस, ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन नहीं है कि इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँ, बट मैंने सोचा कि इस एप्लीकेशन के साथ, टेक वर्ल्ड के साथ इस एप्लीकेशन को यानी कि msafe को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये वीडियो भी अच्छा बन सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले msafe के बारे में जान लेते हैं। तो msafe एक पासवर्ड सेवर एप्लीकेशन है, जिसकी प्ले स्टोर पर प्राइस 40 रुपीज़ है। बट अगर आप लेते हो इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिंक से, तो ये बिल्कुल मिलेगी आपको फ्री में। तो चलिए, सबसे पहले मैं msafe के बारे में ही आपको बता देता हूँ। तो चलिए, मैं ऐप लिस्ट में जाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये msafe इस तरीके से बोलेगा msafe, तो इस पर क्लिक करना होगा आपको सिंपल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ, तो देखते हैं क्या है इसमें। msafe लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू msafe फॉर एंड्रॉइड। With msafe you can protect your passwords by saving them on NFC tags or by printing the QR codes it generates. You can also save your passwords on your mobile device, but make sure you have a backup as this is an offline only application and they will not be sent to the cloud. If you need any, when you're ready, click quote next quote. यहाँ पे देखिए, लेफ्ट राइट स्वाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ रहा है सेट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड आपको कोई भी डालना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ आर्यन। लेफ्ट राइट स्वाइप कीजिए, यहाँ पे ओके बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा पासवर्ड सेव। तो ये एप्लीकेशन को ओपन करते वक्त आपको हर बार ये पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ मैं। वेलकम, ऐड न्यू पासवर्ड्स एंड द कोड एक्जिस्टिंग वंस यूजिंग द एक्शन आइकॉन्स। लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। नॉट टिक, डू नॉट शो अगेन, टिक बॉक्स। नॉट टिक, डू नॉट शो अगेन, तो इसको आप टिक लगा दीजिए। ओके बटन, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं, यहाँ पे हमारी फाइनल एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ msafe, लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। नो पासवर्ड्स फाउंड, नो पासवर्ड्स फाउंड, लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। ऐड पासवर्ड, ऐड पासवर्ड, लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। द कोड, डिकोड, लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। सेटिंग्स, लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। हेल्प, लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ। तो कुछ नहीं है अभी, तो सबसे पहले सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं, मुझे
मिल रहा है msafe, लेफ्ट राइट स्वाइप करता हूँ. General and list 13 items. General left to right swipe करता हूँ. Random password display button to generate random passwords. Not tick tick box. Random password जो कि एक application उसको generate करती है. अगर इस ये button display करेगा जो कि random password generate करेगा तो ये button अभी नहीं display होगा, not tick है, तो इसको tick लगाना है आपको. Left to right swipe करता हूँ. Save notes. Allow saving notes in each. Save notes. Allow saving notes in each password. Be aware that notes are not saved in NFC tags or in QR codes. Not tick. Tick box. यहाँ पे देखिए save notes. इसको आपको कुछ नहीं करना है. Time until application locks automatically. ये time out है जिसके जरिए हमारी application तुरंत ही after opening the application. Show help screen after opening the application. Not tick. Tick box. यहाँ पे देखिए after open application show help screen तो इसको भी not tick लगा दीजिए. तो यहाँ पे बाकी और कोई settings ऐसा आपको छिड़काव नहीं करनी है, बस ये है tick box था उसको on करना था. Left right swipe करते हैं. अब मैं बाहर आ गया हूँ. Left right swipe करते हैं. Add password इस पर क्लिक करते हैं और ऊपर आ रहा है msafe. Left right swipe करते हैं. Service edit box. Service यानी कि किस चीज़ का password है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ कुछ भी डाल देते हैं हम लोग, जैसे कि tutorial. Username, username जैसे कि मैं कोई भी डाल देता हूँ, जैसे कि username रखते हैं हम लोग aaryan. Left right swipe करता हूँ. Password edit box. Password हम लोग रखते हैं video. V V I I D D E E O O S S. Okay, videos. Randomize password button. Yeah, randomize password. हम लोगों ने वो on किया button, इसलिए randomize password button generate यहाँ पे शो हो रहा है. अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो पासवर्ड की फील्ड ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाएगी, कोई भी पासवर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा. जैसे कि मैं इसको फिल randomize password button इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं. This will override your current password. ठीक है, तो this will override your current password. Are you sure? So यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आपके जो current password है उसको override करेगा, यानी कि वो मतलब कि ये जो current password है आपका, वो जो password field में लिखा वो delete हो जाएगा और यहाँ पर नया password generate होगा. आप इसके लिए क्या तैयार है? Cancel button. Cancel button. Okay. Okay button. So मैंने okay कर दिया. तो यहाँ पर जो है मेरा password जो मैंने aaryan लिखा था वो और ही आ गया. देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हुआ है जिसको क्रैक कर पाना नामुमकिन 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 है. ठीक है, सो ये पासवर्ड जनरेट हुआ है. लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं, फिर से वही बटन आ रहा है. तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कीबोर्ड जब तक ऑन होगा तब तक आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन या सेव बटन नहीं दिखाएगा. तो यहाँ पे डिलीट के नीचे एक डन बटन है, उस पर क्लिक करना होगा. आपका ये कीबोर्ड हाइड होगा. रैंडमाइज पासवर्ड लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं. सेव बटन लेफ्ट राइट स्वाइप. कॉपी टू क्लिपबोर्ड. पासवर्ड कॉपी होगा इसका. ठीक है, तो सेव पे क्लिक कर दीजिए. तो यहाँ पे आपका सेव टू कोलन. ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा रहा है कि कहाँ सेव किया जाए. डिवाइस PDF. तो एक ऐसा PDF भी सेव हो सकता है. ठीक है, ये चीज और एक डिवाइस में भी सेव. तो यहाँ पे डिवाइस में सिलेक्ट कर लेता हूँ. और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है. आपका पासवर्ड सिंपली सेव हो चुका है. ठीक है, तो अब लेफ्ट राइट स्वाइप कीजिए. सेव ट्यूटोरियल aaryan. ठीक है, aaryan यहाँ पे ट्यूटोरियल. और यहाँ पे देखिए जैसे आपने उस पर डबल टैप किया तो वही एडिट बॉक्स वापस से ओपन होगा. देखा, टिक बटन, रैंडमाइज पासवर्ड बटन, सेव बटन, कॉपी टू क्लिपबोर्ड बटन, डिलीट बटन. तो इस तरीके से आप यहाँ से पासवर्ड डिलीट भी कर सकते हैं. लेफ्ट राइट स्वाइप करना है सिंपल आपको. तो मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ. तो ये मेरा पासवर्ड जो है 1 मिनट के लिए कॉपी हो चुका है. तो 1 मिनट में कहीं पे भी जाके इसको पेस्ट कर सकता हूँ. अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम हुआ तो ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली मतलब चला जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कॉपी करके ऐसे ही रहना, क्योंकि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कॉपी करके पेस्ट करने के बाद, वो चीज़ हमारे पास रहती है. ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे डिलीट बटन भी होता है. मैंने डिलीट पे क्लिक किया. आई विल शो यू वांट टू डिलीट दिस पासवर्ड. ओके, तो मैंने यहाँ पे ये पासवर्ड डिलीट कर दिया. यही है इस एप्लीकेशन का यूज. तो मैं बैक चला जाता हूँ और ऐसा वेट स्ट्रॉन्ग है. क्लोज कर दिया. ठीक है, ये क्लोज हो चुकी है एप्लीकेशन. अब हमारा जो है एक और टॉपिक है, वो है टेक वर्ल्ड. तो उसके बारे में बताता हूँ मैं. तो देखिए दोस्तों, टेक वर्ल्ड के जरिए आप सारी यूट्यूब चैनल जो है वो मतलब अच्छी तरीके से अपने पास ले सकते हैं, जो कि ब्लाइंड्स के लिए वर्क करिए. ठीक है, जितने भी चैनल्स ब्लाइंड्स के लिए वर्क कर रही है वो सारी चैनल्स यहाँ पर शो कर रहा है. ठीक है, मतलब कि सारी चैनल को एक प्लेटफॉर्म पे लाया है उसने. उसके बाद आप इसके ज़रिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर. एंड देन इसके ज़रिए आप
कोई भी कोर्सेज भी पढ़ सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम लोग आगे जाके इसके हम लोग देखने वाले। तो चलिए मैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों इस एप्लीकेशन की एक और खासियत है कि जब कभी इस एप्लीकेशन का इंटरफेस या भी कुछ भी नया ऐड होगा इस एप्लीकेशन में, तो आपको जो है उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, अगर एप्लीकेशन में चेंजेस हुआ तो प्ले स्टोर से अपडेट करना ही पड़ेगा हमें अगर अपडेट रहना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एप्लीकेशन टोटली इंटरनेट बेस्ड है, यानी कि इंटरनेट के जरिए अगर उसके डेवलपर ने कुछ भी इसमें चेंजेस किए तो तुरंत ही आपके पास वो अपडेट आ जाएगी। तो इसके लिए आपको ना ही कोई अपडेट की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। जिस एप्लीकेशन की साइज़ केवल 2 MB है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है उस एप्लीकेशन में चलते हैं। टेक वर्ल्ड, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये एप्लीकेशन मेरी ओपन हो रही है। ठीक है गाइज, तो ये एप्लीकेशन अब लेफ्ट वर्ड स्वाइप करते हैं, क्या इंटरफेस है। टीम ओपन पेरेंट टेक वर्ल्ड। Welcome to our Tech World family. This app is specially designed for the visually impaired community. Here you will find all the resources such as open parent useful websites, YouTube channels, apps, community platforms for the visually impaired persons, closed parent. So keep in touch with us. We are always ready to help you. Not ticked. Please don't show again. Tick box. यहाँ पे देखिए टिक बॉक्स है, please don't show again. ठीक है? Okay, button. Okay, button. Left or swipe करके आपको मिल जाएगा। अगर आप उस पर टिक लगा दोगे तो ये जो है मैसेज जो भी प्रिंट हुआ हमारे सामने वो कभी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, आइंदा से। तो यहाँ पे मैंने उस पर नोट टिक लगाया और ओके पे क्लिक कर दिया, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। Do you remember me? Do you remember me? Hey, come on, I'm your smart app. Please help me to maintain the overall rating above 4.0. Smile, remind me later. Button, rate now, button. Okay, यहाँ पे कह रहा है कि मुझे रेट करिए, आप इस एप्लीकेशन कह रही है कि रेट कीजिए। तो यहाँ पर रिमाइंड मी लेटर में मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि हमें ट्यूटोरियल के बीच में यह प्रॉब्लम ना आए कभी भी। My account, home. यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करता हूँ, मुझे मिला होम। लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, माय अकाउंट बटन। माय अकाउंट, लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, नोटिफिकेशंस बटन। नोटिफिकेशंस, लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, टू नोटिफिकेशंस है ऑलरेडी मेरे पेंडिंग जिसको मैंने रिव्यू नहीं किया है। लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, शेयर दिस ऐप बटन। शेयर दिस एप्लीकेशन, आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हो। लेफ्ट टू स्वाइप बटन, क्रेडिट्स एंड हेल्प बटन। लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, यूट्यूब चैनल्स रो 1 एंड ग्रिड 8 रोस 1 कॉलम। यूट्यूब चैनल, लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, यूजफुल साइट्स रो 2। यूजफुल साइट्स, लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, चैट रूम रो 3। चैट रूम, लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, एस पी एप स्टोर। ये ऐप स्टोर है गाइस, जिसके जरिए आप जो है कोई भी मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, फॉलो अस। लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, टर्म्स एंड प्राइवेसी रो 6। टर्म्स एंड प्राइवेसी, लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, AIO लाइब्रेरी रो 7। AIO लाइब्रेरी, ऑल इन वन लाइब्रेरी। ओके गाइस, तो ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, ये AIO लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए वो लोग ने अभी अभी प्लान किया है और इनके डेवलपर से मेरी बात हुई है। तो इन लोगों ने ये कंफर्म किया है कि जो ब्लाइंड के लिए कोर्सेज है जितने भी, जैसे प्रोग्रामिंग वीडियोस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, या फिर प्रोग्रामिंग बुक्स है, या फिर बेसिक कंप्यूटर लर्निंग ट्यूटोरियल्स है, कुछ भी है, ये पूरी लाइब्रेरी उससे वो लोग फिलअप करने वाले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे वो लोग फिलअप करने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, HTML tester row 8। HTML tester, गाइस ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस एप्लीकेशन की, मुझे सबसे बेटर चीज़ है इसे ये चीज़। ये है गाइस HTML compiler, जिसके जरिए आप HTML के कोड राइट्स करके यहाँ पे उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं सबसे पहले YouTube चैनल्स पे चलता हूँ और इसमें ब्लाइंड्स के लिए वर्क करने वाली एवरी चैनल जो कि उन लोगों ने कवर कर रखी है। तो चलिए हम लोग साइंस एंड एजुकेशन न्यूज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रेडिट शेयर इज। देखिए यहाँ पे क्रेडिट्स तक, क्रेडिट्स एंड हेल्प बटन, क्रेडिट्स एंड हेल्प, ये यहाँ तक सारे बटन सिमिलर है। ठीक है गाइस, बट उसके बाद का ही हर पेज में एप्लीकेशन का इंटरफेस चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रो 1 एंड ग्रिड 4 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, न्यूज एंड स्पोर्ट्स रो 2। न्यूज एंड स्पोर्ट्स, लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, साइंस एंड एजुकेशन रो 3। साइंस एंड एजुकेशन, लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट रो 4। म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, लेफ्ट टू स्वाइप करता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे। चार कैटेगरी की जो YouTube चैनल है यहाँ पे एडेड है। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे मैं सबसे पहले क्लिक कर देता हूँ और देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या क्या है। तो मैं लेफ्ट स्वाइप करता हूँ, नेविगेट अप बटन, लेफ्ट स्वाइप करता हूँ, होम बटन, लेफ्ट स्वाइप करता हूँ, माय अकाउंट, लेफ्ट स्वाइप करता हूँ, नोटिफिकेशंस, लेफ्ट स्वाइप करता हूँ, टू, लेफ्ट स्वाइप करता हूँ, शेयर दिस ऐप, लेफ्ट स्वाइप करता हूँ,
क्रेडिट्स। तो गाइस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है techwithaaryan फैमिली के लिए कि यहाँ पे टॉप पर है techwithaaryan यूट्यूब चैनल। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले एडेड है techwithaaryan, उसके बाद टेक्निकल गुरुजी फॉर ब्लाइंड राहुल की ये चैनल है, हेल्प एंड हेल्प मलिक फवाद जी की और उन सब की चैनल है, आई एक्सेसिबिलिटी वी आई टेक ये भी है, एसके नेटवर्क टेक वर्ल्ड VI technology, Android computer tech, row 9, Android computer tech, blind open tech, a shot gadget, row 10, Android blind cafe, row 11, Android blind cafe, ये बहुत सारे YouTube channel हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले लोग देख लेते हैं कि एक specific channel को आप कैसे देखेंगे, तो मैं techwithaaryan पे क्लिक किया, because अगर किसी और के channel पे क्लिक किया तो copyright strike या फिर copyright content के notice आने का risk है, ठीक है, तो मैंने अपने channel को लेना जरूरी समझा है, तो यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करता हूँ, नेविगेट अप बटन, जल्दी से जाने देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए होम लिंक techwithaaryan हेडिंग 1 है, यहाँ पर सर्च यूट्यूब बटन, सेटिंग्स पॉप अप बटन, techwithaaryan सब्सक्राइब बटन, 811 सब्सक्राइबर जो मैंने अभी जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम है मेरे, सिलेक्टेड होम टैब, वीडियोस टैब, प्लेलिस्ट टैब, यहाँ पे मैं सारे टैब नीचे शो कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वीडियोस टैब सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए अपलोड जितने भी मेरे वीडियोस थे वो यहाँ पे शो करने लगे, ठीक है गाइस, मोर ऑप्शंस कोलैप्स्ड 12 मिनट्स लिंक लिव स्ट्रीम पार्ट 1157 न्यूज़ लिंक लाइव स्ट्रीम पार्ट 11 मिनट्स लिंक लर्न हाउ टू यूज लेक्सिनेटर इट इज वेरी गुड टॉक विद टॉक बैक इन हिंदी 111 न्यूज़ लिंक। देखिए तो यहाँ पे एक वीडियो है, ठीक है मेरा, अगर मैं इस पर डबल टैप करूँ तो सेम यूट्यूब की तरह इंटरफेस ओपन होगा, बट ये आपको यूट्यूब के चैनल पे नहीं ले जाएगा, बट ये यूट्यूब की तरह इसका इंटरफेस ओपन होगा, जिसके जरिए आप जो है इसी एप्लीकेशन के थ्रू ये मेरे सारे वीडियोज आप देख पाएंगे, और जितने भी मेरे नए वीडियोज आएंगे तुरंत इस एप्लीकेशन में अपग्रेड हो जाएंगे इसके इंटरफेस में, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, तो आप इसके जरिए यूट्यूब वीडियो इस तरीके से प्ले कर सकते हैं गाइस। तो मैं बैक चला जाता हूँ, नेविगेट अप बटन होम, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैंने यूट्यूब चैनल को आपको दिखा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर माय अकाउंट बटन है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, क्रेडिट्स एंड हेल्प, ये सारे बटन है जो मैं एंड में कवर करने वाला हूँ, ठीक है, यूजफुल साइट्स, इस पे मैं डबल टैप करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी सारी कैटेगरी आ रही है, बट केवल एक ही कैटेगरी की साइट्स यहाँ पे अभी भी ऐड हुई है, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें मैंने डबल टैप किया, यहाँ पे देखिए सारी साइट आ रही है, ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट, Full Blind Tech, Freedom Scientific, Row 5, Freedom Scientific, Mac for the Blind, Row 6, Mac for the Blind, Manager, Row 7, Pakistan Assistive Technology Foundation, Row 8, EADF, Human Rights, Row 9, तो यहाँ पे जितने भी ब्लाइंड के लिए वर्क करी है वो सारी साइट्स के नाम यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसके ऊपर डबल टैप करके उस साइट को जो है प्रोग्रेस यहाँ पे डायरेक्टली उसका देख सकते हो, ठीक है, मतलब कि उस साइट पे यहाँ से डायरेक्टली आप जा सकते हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चैट रूम, इसमें मैं जाने से पहले आपको माई अकाउंट दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मेरे हिसाब से ये कनेक्टेड किया गया है, तो यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ मैं ऊपर ही, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन हुआ है, क्रेडिट्स एंड हेल्प के बाद का इंटरफेस, योर नेम ओपन पे निक नेम आपको डालना है यहाँ पे, तो जैसे कि मैं डाल देता हूँ एक है मेरा निक नेम है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अपने सेल्फ को डिस्क्राइब करना है, बट मैं नहीं करने वाला हूँ, बर्थ डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपको, 20, 21 यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि है मेरा जनवरी, ड्रॉप डैश डाउन मेन्यू, अलाउ कमेंट्स, कमेंट प्रोफाइल फोटो बटन, ओपन फोटो, ड्रॉप डैश डाउन मेन्यू, सिलेक्ट जेंडर कोलन, ड्रॉप डैश डाउन मेन्यू, ईयर ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चला गया था गाइस, इसे मैंने राइट टू स्वाइप करके वहाँ पर उस इंटरफेस में भी वापस आया हूँ, यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट करना है, 2013, 2002, तो मैं यहाँ पे 2002 सिलेक्ट कर लिया मैंने, डिस्क्रिप्शन कोलन, ओपन, ड्रॉप डैश
drop dash down menu 2000 gender colon gender drop select kar leta hu male 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 description colon left drop, or swipe karna hai sirf aapko drop dash down menu male male left or swipe karna hai photo open parent profile photo button profile photo yahan se aap agar is profile photo button pe click karoge to aap yahan pe apne liye koi bhi photo select kar sakte ho comments colon but nahi karna hai aapko yahan pe matlab main kuch nahi kar raha hu abhi drop dash down menu allow comments कॉमेंट्स उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में है अलाउ कॉमेंट्स अलाउ कॉमेंट्स डोंट अलाउ ठीक है ये दो चीज है तो मैं अलाउ कॉमेंट्स पे क्लिक रखता हूँ डिस्क्रिप्शन को डिलीट ठीक दिस ओपन दिस ड्रॉप 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 फोटो ओपन प्रोफाइल कम ड्रॉप प्राइवेट चैट्स कॉलन प्राइवेट चैट्स ड्रॉप डैश डाउन मेन्यू अलाउ प्राइवेट्स अलाउ प्राइवेट्स इसके साथ जो आपको कुछ करना है रिसीवर ड्रॉप डैश डाउन मेन्यू ओनली आइकन रिसीवर्स कॉलन रिसीवर्स ओनली आइकन यहां पे उसके साथ कुछ करना है सेव यहाँ पे सिंपल आपको सेव पे क्लिक करना है ठीक है तो ये यह हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन का प्लीज एंटर योर नेम ओके बटन प्लीज एंटर योर नेम यहाँ पे हम लोगों ने नेम डालने में कुछ गलती कर दिया ठीक है तो वो लोग बोले प्लीज एंटर योर नेम तो मैं कोई अपना नाम डाल देता हूँ ठीक है फिर से मुझे डालना पड़ेगा Y A N M N space A N D N delete F D D A D R R P P A A ठीक है मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ पे अब हम लोग करते हैं next पे क्लिक open profile comment drop private chats drop receipt drop images left save privacy pop save saving यहाँ पे मेरी information सेव हो रही है और सेव हो चुकी है ठीक है guys यहाँ पे मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है तो अब हम लोग चलते हैं चैट रूम चैट रूम में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है camera, button, editing, type of message, Adi, 10 colon, Ashish Kajik, 10 colon, 06 PM, JavaScript, computer and more. Adi, 10 colon, 11 PM, how does one create an account on it? Ashish Kajik, my account, button. तो देखिए यहाँ पे पूरा चैट रूम ओपन हो चुका है और सभी लोग चैटिंग कर रहे हैं ठीक है तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थिंग्स हो सकती है यहाँ पर आपको अगर इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी जानता है जानना है तो यहाँ पे चैटिंग कर सकते हो आप तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे तो आपको सारे मैसेजेस मिलेंगे यहाँ पे सारे मैसेज खत्म होंगे उसके बाद है टाइप ऑफ मैसेज उसके बाद वहाँ पे मैसेज टाइप करने के बाद यहाँ पर आप अपना कोई भी फोटो भी सेंड कर सकते हो कैमरा वीडियो कैम आप कोई भी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो इमोजीज यहाँ से इमोजीज भी सेंड कर सकते हो सेंड बटन आ रहा है प्राइवेट चैट्स बटन आप यहां से किसी के भी साथ प्राइवेट जा सकते हो प्रोफाइल बटन नोटिफिकेशन अलर्ट ऑन स्लैश ऑफ तो यहां पे ये सारे बटन ठीक है बट इसमें मेरे हिसाब से वीडियो का वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग बटन नहीं दिया गया ठीक है तो यहां से आप डायरेक्टली उसको मैसेज कहीं से भी मैसेज सेंड कर सकते हो तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है एसपी ऐप स्टोर ये बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से हम सब के लिए ठीक है नेविगेट अप बटन होम माय अकाउंट माय नोटिफिकेशंस टू शेयर इज अक्रेडिटेड ऐप रिक्वेस्ट बटन यहाँ पे देखिए ऊपर आ रहा है ऐप रिक्वेस्ट बटन ठीक है जिसके जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूँ ठीक है आपको ऐप रिक्वेस्ट बटन ये क्या है इस पर मैंने क्लिक किया ऐप रिक्वेस्ट हेडिंग टू फुल नेम कॉलन स्टार फुल नेम कॉलन फुल स्टॉप यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है कॉन्टैक्ट ईमेल कॉलन स्टार कॉन्टैक्ट ईमेल डालना है कंट्री कलैप्स्ड ऑस्ट्रेलिया लेबल रिक्वेस्ट कॉलन यहाँ पे लेबल रिक्वेस्ट ठीक है तो आप अगर कोई एप्लीकेशन का लेबल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कलैप्स है नॉन है टीबीएल फाइल और प्री लोडेड ठीक है तो प्री लोडेड आपको नहीं अगर आप कोई एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट करते हो ठीक है एप्लीकेशन रिक्वेस्ट तो वहाँ पे आपको टीबीएल फाइल दैट मीन्स उसकी जो लेबल स्पेशल लेबल फाइल होगी वो भी आपको उसके साथ रिक्वेस्ट कॉलन यहाँ पे आपको अपनी रिक्वेस्ट डालनी है ठीक है एंड सेंड मेल पे क्लिक करना है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी इस टीम तक और आपको वो एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो वो सेंड कर सकते हो आप यहाँ पर ठीक है और कोई एप्लीकेशन की मांग भी कर सकते हो अभी एसपी ऐप स्टोर में हम लोग फिर से चलेंगे बिकॉज यहाँ पे कुछ और काम भी है हमें ऐप रिक्वेस्ट बटन एसपी ऐप स्टोर हेडिंग टू सर्च फॉर एप्स
सर्च फॉर एप्स, आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो. अपडेटिंग लिंक, कॉन्टैक्ट मैनेजर्स हेडिंग 4, कॉन्टैक्ट मैनेजर्स की हेडिंग है. ठीक है गाइस, यहाँ पे सारी एप्लीकेशन हेडिंग वाइज आएगी आपको. जैसे कि आपको नेविगेशन में हेडिंग सिलेक्ट करना होगा, क्लॉक्स, क्लीनर्स, कैमरा एप्स. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैमरा एप्स पे चलता हूँ. फिर फोटो रिसाइजर प्रीमियम, Google Camera V2.5.052, click. Google Camera. Gallery Vault Pro V2.8.3, click. Gallery Vault Pro. C-Pixel Camera V4.4.020.16. Pixel Camera. Back Camera Selfie Pro V1.0.1, click. तो ये सारे एप्लीकेशन है गैस. अगर आप जैसे इस पे डबल टैप करोगे, सीधा आपको ड्राइव पे ले जाएगा. बिकॉज अभी इंटरनल उन लोगों का डाउनलोडिंग प्रोसेस अभी उसकी परमिशन नहीं दी गई है. सो इसके लिए यहाँ पर उन लोगों ने गूगल ड्राइव बेस रखा है. तो आप जैसे भी इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है, आपका जो कर्सर है वो सीधा आपको गूगल ड्राइव पे ले जाएगा और इस एप्लीकेशन को आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे. तो यह बहुत अच्छा एक सोर्स है सारी एप्लीकेशन ब्रांड्स के लिए पाने का. तो मैं बैक चला जाता हूँ. यहाँ पर भी फॉलोअर्स, इसके जरिए आप इसको फॉलो कर सकते हो. ये पेज को मुझे दिखाने की जरूरत है. टर्म्स एंड प्राइवेसी आप इसके पढ़ सकते हो. AIO library, row 7. AIO library. HTML tester. तो सबसे पहले हम लोग HTML tester देख लेते हैं, फिर AIO library मैं आपको बताऊंगा. मैं HTML tester colon, row 1. HTML tester colon. यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना है और run status colon, row 3. और run project पे जाना है. ठीक है, और देखिए जैसे कि यहाँ पर ये राइट और पेस्ट योर कोड, तो यहाँ पे अपना कोड लिखना है आपको. फिर रन प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करना है. ठीक है, तो आपका रन प्रोजेक्ट रन होगा, कंपाइल होगा. प्रोजेक्ट स्टेटस कोलन, उसके बाद लेफ्ट और साइड कीजिए. यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे आपका आउटपुट शो करेगा. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपका आउटपुट शो करेगा और बताएगा आपको किस तरह से आपको जो है करना है. तो ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन की बात है. लेफ्ट और साइड करते हैं, लोग बाहर आ गए हैं बिल्कुल. तो शेयर दिस ऐप, एक क्रेडिट्स एंड हेल्प, हम लोग आखिरी इस चीज को हम लोग देख सकते हैं. Help button. Credits. Heading 2. Credits. Huge thanks to colon. Heading 4. Huge thanks to colon. Black Square. Black Square. AppCreator24.com. LPKCreator24.com. Black Square. Sagar Verma. Sagar Verma. Shaz with Ranjan Jita. Black Square. Vidal Das. Who's here? Black Square. Arpita Core. Special thanks to colon. Heading 4. Special thanks to colon. Arpita Core. Arpita Core. Black Square. Ashish Kaushik. Ashish Kaushik. Black. Berlin Core. Gurlin Kaur, Lavapreet Singh, Lavapreet Singh, Lex, Srishti Pandey, Srishti Pandey, and all the users of this app, heading 2, and the all users of the, this application. ठीक है, तो यहाँ पे ये application के जो है developer सारे के सारे, उनका नाम यहाँ पर आ रहा है. तो यहाँ पे देखिए, इसका इन्होंने अपना क्रेडिट दिया है इन सबको. बट उससे पहले आपको सबको याद होगा ऊपर हेल्प बटन था, तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये हेल्प बटन में आपको नेविगेट अप बटन, होम बटन, माय अकाउंट, नोटिफिकेशन टू, शेयर दिस ऐप, क्रेडिट्स एंड हेल्प, क्रेडिट्स बटन, क्रेडिट्स बटन यहाँ पर आ चुका है. ठीक है, हेल्प सेंटर, हेडिंग 2, हेल्प सेंटर, वेलकम यूजर, हियर यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट अस बाय चूजिंग योर डिजायर्ड वे, यू कैन कॉल अस, चैट अस बाय सिलेक्टिंग द, सॉरी वी आर अनएबल टू टेक कॉल्स राइट नाउ, आवर वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 10:00 AM टू 6:00 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम. ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये समथिंग 10:00 के ऊपर का टाइम है. तो वो लोग बोल रहे कि अभी अब हम लोग कॉल नहीं ले सकते क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स है 10:00 सुबह से 6 बजे तक. ठीक है, ये कॉल अस बटन अभी डिसेबल है. ये अनेबल होता अगर आप इसको जो है 6 से 10 से 6 के बीच लेते, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है इसको कॉल लगा सकते हो यहाँ से. ठीक है, चैट अस, यहाँ पे उन लोगों से डायरेक्टली आप चैटिंग कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो आप यहाँ से डायरेक्टली. ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है. ज़्यादा अब यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप सब इतने स्मार्ट तो हो ही. तो ये था रिव्यू ऑन टेक वर्ल्ड. तो गाइस, अगर मैं एंड में अपना ओपिनियन दूँ तो लवप्रीत सिंह ने जो मेहनत की है उन्होंने, ये उनकी मेहनत का ही एक परिणाम है. और ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, हम सबको अपने फ़ोन में रखनी चाहिए अगर हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड है तो. सो लवप्रीत सिंह जी ने जो ये एक वर्क किया है ब्रांड के लिए, तो आशा करता हूँ कि उसको आप सब जरूर सपोर्ट करेंगे. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. For any help or questions, call Aaryan at +91972-691-0927. Email address.
techwithaaryan@gmail.com. Thanks.